हेलो डी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेवेंथ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल एंड द मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ देयर लाइफ एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द चेंजेस अकर्ड इन देयर कम्युनिटीज ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ट्राइब्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव and work together in a shared geographical area. They have a common culture, dialect and religion and they live aloof from the modern society. Tribe means होता है लोगों का एक ऐसा group जो एक ही geographical area, मतलब जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर एक साथ रहते हैं और साथ ही साथ एक common culture, dialect मतलब बोली और religion धर्म को follow करते हैं एंड दे लीव अलू फ्रॉम अ मॉडर्न सोसाइटी। साथ ही साथ वो मॉडर्न सोसाइटी मतलब जो डेवलप सोसाइटीज़ होती हैं उससे दूर रहते हैं और एक सेपरेट लाइफ को फॉलो करते हैं। नोमाड्स, नोमाड्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव इन सर्च ऑफ फूड, पास्टर्स फॉर देयर एनिमल्स, प्लेस टू प्लेस। दे हैव नो परमानेंट हाउस टू लिव। नोमाड्स मीन्स होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो खाने की खोज में इधर से उधर घूमते हैं, साथ ही साथ अपने एनिमल्स के खाने की खोज में भी इधर से उधर घूमते हैं और उनका अपने कोई एक परमानेंट हाउस नहीं होता। वो एक जगह पर जहाँ पर उन्हें अपने एनिमल्स के लिए और अपने लिए खाना मिल जाता है वो उसी टाइम कुछ टाइम तक वहाँ पर स्टे करते हैं और बाद में जब वहाँ पर जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं वो कम होने लगते हैं, वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपने अपने लिए और अपने एनिमल्स के लिए खाना मिले। सेटल्ड कम्युनिटीज़, सेटल्ड कम्युनिटीज़ मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ जियोग्राफिकल एरिया परमानेंटली एंड डू अ परमानेंट जॉब। सेटल्ड कम्युनिटीज़ का मतलब होता है एक लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही परमानेंट एरिया में रहते हों और वहाँ पर परमानेंट जॉब करते हों। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. हमने chapter 2, 3 और 4 में पढ़ा कि किस तरीके से kingdoms rise हुए और किस तरीके से उनका downfall हुआ। साथ ही साथ in chapter 6, towns, traders and craftsperson, we saw that Hampi, Surat and Masulipatnam had a golden time. बट एट टाइम दे लॉस्ट देयर ग्लोरी। हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, किस तरीके से हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम एक टाइम पर एक प्रोस्पेरस सिटीज हुआ करती थी लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने भी अपनी ग्लोरी को खो दिया, जिसके हमने कई रीजंस पढ़े थे। इस चैप्टर में भी हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। Over the centuries, important political, social and economic development had taken place. कई सदियों से, कई सेंचुरी से political, social और economic developments होते रहे हैं but social change was not the same everywhere. लेकिन जो social change हुए हैं, सामाजिक changes जो हुए हैं, समाज में जो changes हुए हैं वो हर time पर हर जगह अलग अलग थे। Because different kinds of societies evolved differently. Evolved means होता है develop होना, क्योंकि हर एक जो society होती है वो अलग तरीके से develop होती है तो उसमें होने वाले जो changes होते हैं वो भी क्या होते हैं, different होते हैं दूसरी societies से। It is important to understand how and why this happened. और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी society में किस तरीके से कब development हुई है और क्यों हुई है। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rule of Varna. जब हम large subcontinent की बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर societies पहले से ही वर्ण according, वर्ण मतलब होता है रंग या फिर जाति, जाति के according पहले से ही divide थी। These rules as prescribed by the Brahmins, और जो ये वर्ण के अकॉर्डिंग जो डिविजन था सोसाइटी में ये ब्राह्मण्स के थ्रू प्रेस्क्राइब किया हुआ रूल था, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। और इस तरीके के रूल्स लार्ज किंगडम्स के जो रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उनके थ्रू भी एक्सेप्टेड था।
the difference between the high and low and between the rich and poor increased. और इस तरीके से जब राजा इस तरीके के रूल्स को फॉलो करता था तो उसकी प्रजा को भी ऐसे ही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, और टाइम टू टाइम इस तरीके का जो डिफरेंस था रिच एंड पुअर के बीच में, हाई और लो के बीच में, ये बढ़ता चला गया. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. हायरार्की मतलब होता है सिक्वेंस. व्हेन सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दिस सिस्टम इज कॉल्ड हायरार्की सिस्टम. जब सोसाइटी, जब समाज में कास्ट के बेस पर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है तो इस तरीके के सिस्टम को, इस तरीके की प्रैक्टिसेस को हायरार्की सिस्टम कहा जाता है, जिसमें लोगों को टॉप टू बॉटम डिवाइड कर दिया जाता है. और इन हायरार्की सिस्टम ब्राह्मण्स वर एट द टॉप. उस टाइम पर ब्राह्मण्स जो होते थे वो टॉप में होते थे. अब हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ते हैं. बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़. जिस तरीके से हमने पढ़ा कि जो लार्ज किंगडम्स होते थे वहाँ के रूलर्स जो ब्राह्मण्स द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ जो सोशल डिवीज़न था उसे फॉलो करते थे. अब हम बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ की जो बिग सिटीज़ से दूर होती थी, जैसे कि जंगलों में ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी जंगलों में रहा करती थी और इनकी लाइफ टोटली ऑपोजिट होती थी जो सिटीज़ में रहने वाले लोग होते थे. देयर वर हाउएवर अदर किंग्स अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. किंग और उसकी प्रजा के अलावा दूसरी तरह की भी सोसाइटीज़ हुआ करती थी. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स. और इस तरीके की जो सोसाइटीज़ होती थी वो ब्राह्मण्स के थ्रू जो प्रेस्क्राइब किए गए रूल्स होते थे, सोशल रूल्स होते थे, उन्हें फॉलो नहीं करते थे. नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और ना ही उनकी सोसाइटी, उनका समाज अनइक्वल क्लासेस में बटा हुआ होता था. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. और इस तरीके की सोसाइटीज़ को ही ट्राइब्स कहा जाता था. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ट्राइबल पीपल के बारे में. जैसे सबसे पहली जो पहचान होती है ट्राइबल्स की वो ये होती है कि पूरा ग्रुप, किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो आपस में ब्लड रिलेटेड होते हैं. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. और जो ये ट्राइब्स होती हैं इनका जो ऑक्यूपेशन होता है जिसके थ्रू ये सर्वाइव करते हैं वो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर. अदर वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स. और कुछ इनमें से हंटर्स होते हैं जो शिकार करते हैं, शिकार करके अपने लाइफ को जीते हैं. कुछ गैदरर्स होते हैं जैसे फल वगैरह इकट्ठा करके अपनी लाइफ को जीते हैं. और कुछ हर्डर्स होते हैं. हर्डर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स को पालते हैं और उनके प्रोडक्ट को बेचकर अपनी लाइफ को जीते हैं. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव. और अधिकतर ऐसा होता है कि जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं ये कंबाइंड इन सारी चीज़ों को करते हैं. जैसे वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं और साथ ही साथ हर्डर्स भी होते हैं. और इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी लाइफ फुली इन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम प्लेस वन प्लेस टू अनदर. कुछ जो ट्राइब्स होते हैं वो नोमैडिक लाइफ को फॉलो करते हैं. नोमैडिक जिसका मतलब मैंने आपको बताया अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड पास्चर. पास्चर मतलब होता है चारा फॉर देयर एनिमल्स. अ ट्राइब ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली. जो ट्राइबल ग्रुप होता है वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के पास्चर को, मतलब जो चारे वाली जगह होती है और जिस जगह पर रहते हैं वो पूरा ग्रुप उस एरिया को कंट्रोल किए हुए होता है. एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स. और
इस एरिया जिस एरिया में वो रहते हैं और जिस एरिया को वो कंज्यूम करते हैं उस पूरे एरिया को वो अपने जो ग्रुप में फैमिलीज होती है उसमें इक्वली डिवाइड करके रहते हैं। तो इस तरीके से वो एक सिंपल लाइफ को फॉलो करते हैं जो कि एक डेवलप्ड सोसाइटी से फुली डिफरेंट होती है। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े एरियाज़ में ट्राइबल पीपल रहा करते थे। प्रेजेंट डे में भी कई जगह पर ट्राइबल पीपल्स हैं लेकिन अब वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट और ये कहाँ पर रहा करते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे और वहीं जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते थे उसी को यूज़ करते थे। हिल्स डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच, ऐसी जगह पर जैसे कि पहाड़ी इलाका हो गया, डेजर्ट हो गया, जहाँ पर दूसरे लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ और कभी कभी जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती थी उनसे कई बार इनके झगड़े भी हो जाते थे। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर और कई तरीके से जो ट्राइबल्स होते थे उन्होंने अपनी फ्रीडम और जो उनका एक सेपरेट कल्चर था उसे हमेशा बनाए रखने की कोशिश करी। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। लेकिन जिस तरीके से टाइम टू टाइम इनके बीच में क्लैश्ड होते थे, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती थी और जो ट्राइबल पीपल होते थे टाइम टू टाइम इनके बीच में क्लैश्ड हुए, लेकिन कई तरीक़ों से ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ और ट्राइबल पीपल थे वो कनेक्टेड भी होते थे कुछ नीड्स की वजह से, जैसे कि द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और इसी तरीके से जो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक रिलेशन था और जो आपस में एक डिपेंडेंसी का रिलेशन था नीड के अकॉर्डिंग, इस चीज़ की वजह से दोनों ही सोसाइटीज़ में कई चेंजेस भी आए। हु वर ट्राइबल पीपल, ये ट्राइबल पीपल थे कौन, कहाँ पर रहते थे, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। अब हमें इन ट्राइबल्स के बारे में पता कैसे चलता है, जो कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस थे, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम पर रहने वाली कोई भी चीज़ को कंटेम्प्ररी कहा जाता है। तो उस टाइम पर जब ट्राइबल्स रहते थे उस टाइम पर जो हिस्टोरियंस होते थे और जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेवलर्स मतलब यात्री, जब वो अपने उस एरिया के बारे में लिखते थे जहाँ पर वो घूमने के लिए जाते थे, तो जब वो ट्राइबल्स के बारे में उन्होंने लिखा तो उनके बारे में बहुत कम ही लिख पाए या जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत कम थी। इसका कारण ये था क्योंकि जो ट्राइबल्स होते थे वो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती थी, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती थी, सिटीज़ होती थी, उससे दूर रहना पसंद करते थे और अपना कल्चर, अपना रिलीजन किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। अ फ्यू एक्सेप्टेशंस अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। और दूसरा कारण ये है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते थे ये रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, लेकिन उन्होंने जो अपना कस्टम है, अपना कल्चर है, उसे प्रिजर्व रखा ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन और ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ही इन्होंने जो इनका जो कल्चर था, इनका ट्रेडिशन था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। और प्रेजेंट डे में जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखना शुरू किया है, जो इन्होंने ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपने कस्टम को, अपने रिलीजन को और अपनी जो उनकी लाइफ थी, ट्रेडिशन को, उसे ट्रांसफ़र किया, उसी के थ्रू इन्होंने अब इनके बारे में लिखना शुरू किया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हर एक पार्ट में कई जगह पर ट्राइबल पीपल रहा करते थे या पाए जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। और जो एरिया था इनका, ट्राइब्स का, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर
सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज ट्रेडिशंस. कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स थी उन्होंने बहुत एरिया पर अपना, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पर अपना कंट्रोल कर लिया. इन पंजाब द खोखर, अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पंजाब का, जहाँ पर खोखर ट्राइब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी ड्यूरिंग द 13th and 14th century. लेटर द घकर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, और बाद में जो घकर्स थे वो ज़्यादा वहाँ पर इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल ट्राइब हो गए. देयर चीफ कमाल खान घकर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्परर मनसबदार, एम्परर अकबर. इनका जो चीफ था कमाल खान, वो अकबर के टाइम पर उसका मनसबदार भी रहा. इन मुल्तान एंड सिंध द लंगाज एंड अरगुज डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल. सबड्यूड मतलब होता है गुलाम बनाना या फिर सबॉर्डिनेट बनना. तो लंगाज और अरगुंज जो कि मुल्तान और सिंध की ट्राइब्स थी, वो तब तक डोमिनेटेड रहे जब तक कि मुगल्स ने उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाया या उस एरियाज़ को या उनके ट्राइब को अपने कंट्रोल में नहीं किया. उनके कंट्रोल में आने से पहले वो पूरे एरिया को डोमिनेट किया करते थे, मतलब पूरे एरिया में रूल किया करते थे मुल्तान और सिंध में. द बलोचीज वर अनदर लार्ज पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो बलूची ट्राइब थी वो वहाँ पर रूल कर रही थी. दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ. क्लैन का मतलब होता है जाति. जो ये बलूची जाति थी, जो बलूचीज थे, जो बलूचीज ट्राइब थी, वो जातियों में डिवाइड थी और हर एक जाति का एक चीफ, एक मुखिया हुआ करता था. इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गडीज. और अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहाँ पर गडीज जो शेफर्ड ट्राइब थी, शेफर्ड मतलब जो शिप पालने वाली, भेड़ पालने वाली लोग जो होते हैं उन्हें शेफर्ड ट्राइब कहा जाता है, और इस ट्राइब कम्युनिटी को गडीज कहा जाता था. द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स. और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आसाम हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, वहाँ पर जो मोस्टली जो एरिया है वो वहाँ पर ट्राइब्स ही रहते हैं, जैसे नागास हो गए, अहम्स हो गए जो आसाम में रहते हैं, एंड मैनी अदर्स. इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, अगर हम प्रेजेंट डे में बिहार की बात करें, एंड झारखंड के चेरो चीफ टॉम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th century. राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक द डिफिटेड द चेरोज इन 1591. अकबर का जो जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने चेरोज को 1591 में हराया था. अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम. बूटी का मतलब होता है जो लूटा हुआ सामान होता है. तो इस युद्ध में जो लूटा हुआ सामान था वो बहुत ज़्यादा लूटा गया, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सका. अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब. सब्जुगेटेड का मतलब भी होता है एनस्लेव करना, जीतना या फिर गुलाम बनाना. द मुंडास एंड संथास वर अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन. और बिहार में ही मुंडास और संथाल जैसे भी जो ट्राइब्स थी वो भी रही, एंड ऑल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल. तो महाराष्ट्र, अब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे. महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज. यहाँ पर कोलीज ट्राइब्स डोमिनेटेड थी, बियर्ड्स एंड न्यूमरस अदर्स. कोलीज आर लिव्ड इन मैनी अदर्स मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतार्स, मारवाड़ास एंड मैनी अदर्स. अ लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील, अब अगर हम भील्स की बात करें तो भील्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब थी. वॉज और भील्स ने नेशनल फ्रीडम में भी बहुत अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जो ये भील्स थे ये सेंट्रल इंडिया में थे. बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स. और
लेट 16th सेंचुरी में इनमें से बहुत सी जो भील्स थे उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर को अपना लिया था, मतलब एक जगह पर रहकर ये एग्रीकल्चर किया करते थे, कल्टीवेशन किया करते थे और कुछ इनमें से ज़मींदार भी बन गए। मैनी भील क्लैंस नेवर द लेस रिमेंड हंटर गैदरर्स, और लेकिन इसके बावजूद बहुत से भील्स जो थे वो अभी भी हंटर और गैदरर्स ही रहे। द गॉड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो गॉड्स है प्रेजेंट डे में छत्तीसगढ़ में रहा करते थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश।